गुड मॉर्निंग विद सभी का, ये है किचन एंड वेलकम अगेन। एंड इस वक्त कौन मौजूद है यहाँ पर है? शेफ मरियम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? माशाल्लाह इतने दिनों बाद। मैं गई हुई थी असल में लाहौर। अच्छा, कैसा विजिट रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। नहीं नहीं, एक टूर था और साथ जो है एक कुकिंग का भी था, एक मैं वहाँ पे गई हुई थी। क्या बात है, सब पाँव में बिल्लियाँ लग गई। गुड मॉर्निंग विद सभी को, क्या ज्वाइन किया आपने? बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, लाहौर में बड़ी स्मोग होती है, मैंने देखा। बहुत ज्यादा ठंड थी और इन दिनों में आपको कराची में बल्कि आके मुझे गर्मी लग रही है। रियली? वहाँ पे तो खैर बहुत अच्छा मौसम, मौसम तो अच्छा, लेकिन वहाँ पर सबसे ज्यादा मैं एक बात कहूँगी, कराची में तो स्मोग नहीं इतनी होती जितनी ऑफकोर्स यहाँ तो होती ही नहीं है, लेकिन लाहौर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है हाईवे पे ऊपर। तो प्लीज प्लीज बी केयरफुल, फैमिलीज बहुत एहतियात करें क्योंकि एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं और सुबह में खास तौर पे कुछ नजर ही नहीं आता। बिल्कुल ऐसा ही है, वहाँ पे ठंड इतनी ज्यादा थी कि यहाँ पे तो आके हम हमारे पसीने छूटने लगे। अच्छा, अभी तो बड़ा मौसम डिफरेंट जगहों का बड़ा सीन हो चुका है, और मरी में और इन जगहों पे तो कुछ गिलगित में बर्फबारी शुरू हो चुकी है, और हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। प्लीज एक्सप्लोर करें अपने पाकिस्तान को, वहाँ जाके डिशेस बनाएं, खाएं, एंजॉय करें, और लेकिन अपना बहुत और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें। लेट्स सी, आज बन रही है फिश फ्राई। मौसम के हिसाब से आज मैं लेकर आई हूँ चटपटी चटपटी फ्राई फिश। चटपटी फ्राई फिश, और इसके इंग्रेडिएंट्स पहले बता दें, फिर हम लोग अपने इंग्रेडिएंट्स मैं अब बताती चलूं। इसमें जो है जाएगा हमारे पास 2 टेबलस्पून हमारे पास कॉर्नफ्लावर है, ये वाला ऐसे, और 3 टेबलस्पून हमारे पास जो है इसमें बेसन जाएगा, 1 टेबलस्पून हमारे पास लाल मिर्च पाउडर है, और सॉल्ट टू टेस्ट है। इसके अलावा 1 टेबलस्पून हमारे पास जो है वो कुटा हुआ धनिया है, 1 टेबलस्पून हमारे पास सौंफ है कुटी हुई, 1 टीस्पून हमारे पास जो है वो काली मिर्च है, 1 टीस्पून हमारे पास जो है भुना हुआ ज़ीरा है, और 1 टीस्पून हमारे पास जो है चाट मसाला है, और 1 टेबलस्पून हमारे पास है राई पिसी हुई, और इसमें जो है 1 टेबलस्पून हमारे पास जाएगा लहसुन का पाउडर, 1 टेबलस्पून हमारे पास हल्दी, और 1/2 टीस्पून हमारे पास जाएगा फूड कलर। अच्छा, बड़े तो प्यारे में मसाले देख रही हूँ और बड़े गौर से मैं सुन रही थी, और जब हमारे घर के घर में किचन में जो मसाले अवेलेबल होते हैं, आप उनके थ्रू जब मछली के ऊपर मसाले लगाते हैं उनकी खुशबू अरोमा अलग होता है। जैसे इन्होंने सूखा धनिया आपने देखा होगा, इसे इन्होंने पिसा हुआ है, इसकी खुशबू बड़ी प्यारी है। फिर इसके अलावा ये ज़ीरा, जी ये ज़ीरा है, ज़ीरा है, और ये क्या क्या चीज़ है? ये सौंफ है, सौंफ, हाँ देखा ना, और एक ये रायदाना, रायदाना। तो ये एक ऐसी चीजें जिनसे ना सिर्फ फ्लेवर के अलावा खुशबू बड़ी प्यारी थी, और फिर उसके अंदर डाल दिया हमने। अब ये इम्पोर्टेंट मैरिनेशन करेंगे। ये है फिश कितनी? ये फिश हमारे तक में 1/2 kg से तक में ऊपर ही है, ठीक है, और इसको मैंने कट लगा लिए थे, सालिम रखी है मैंने इसको, और इसी में ही मैं मैरिनेशन करूंगी, उसके बाद फिर हम फ्राई करेंगे, ठीक है। अच्छा, ऑयल मैरिनेट करके गर्म करना है ताकि जरा सा फ्लेम के ऊपर हो जाए। जी जी, थोड़ा सा रख देते हैं हम इसको ताकि जरा सा ज्यादा वो मत करना। नहीं नहीं नहीं, ये ना बंद हो जाए और फिर मुझे ब्रेक लेनी पड़े। नहीं, थोड़ा फिर हम रुक के करते हैं क्योंकि ऐसा ना फौरन ओके, मैं समझ गई, हीट अप ज्यादा नहीं करना। जी जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अपना ओके मसाले, बिल्कुल रेडी है, पहले मसाले कर लें। जी, सबसे पहले हमने डालेंगे अपना धनिया पाउडर, सूखा धनिया जो है उसको ग्राइंड किया ये मैंने, ये तो मैंने वैसे तो मैंने मेजर करके ही रखा हुआ है, तो मैं इसी तरह से ही डाल देती हूं। मैं साइड पे करती हूं। जी ओके जानी, ठीक है, गुड हो गया। हमारे पास 1 टेबलस्पून इसमें सौंफ है, ओके, अरे सौंफ की बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। ये हमारे पास जो है 1 टीस्पून हमारे पास जीरा है, जीरा भुना, जीरा मतलब भून के आप ग्राइंड करके रख लें, यस बिल्कुल। और ये हमारे पास जो है 1 टीस्पून हमारे पास काली मिर्च है, ओके, आजकल मौसम भी जरा सा जी वैसा चल रहा है तो हमें फिश वगैरह जो है, और 1 टेबलस्पून हमारे पास रायदाना का पाउडर, ये मैंने पीस लिया है ना, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने पीस के लेके आई हूँ, दैट्स गुड। और इसमें हमारे पास जाएगा 1 टीस्पून हमारे पास चाट मसाला जाएगा, चाट मसाला, ये आपका घर का बनाया है खुद? नहीं नहीं नहीं, ये खरीदा, जी जी, मैं चख के देखूं, बिल्कुल बड़े मजे का, बहुत टेस्टी है, निम निम निम। अच्छा, ये जो है हमारे पास 1 टेबलस्पून हमारे पास इसमें जो है लहसुन पाउडर, बिल्कुल, और 1 टेबलस्पून हल्दी, और फूड कलर 1/2 टीस्पून हमारे पास फूड कलर, ये सारी चीजें मैं इसमें शामिल करूँगी। मरियम जी, जब हम लोग ना रोड पे
मछली फ्राई होते देखते जी। अच्छा वो खास एक येलोश कलर सा, येलो बिल्कुल आ रहा होता है उसमें जो है वो येलो भीगी हुई होती है उसके अंदर ना, तो वो ये फूड कलर की वजह से। जी बिल्कुल ये उसमें फूड कलर। अच्छा, ये बेसन ऐड हो रहा है नाज़रीन, आप और से देख लीजिए, मैं इसमें डाल रही हूं। एक एक चीज हम कोशिश करते हैं डिटेल में आपको बताएं ताकि आप भी क्या कहते हो मरियम, हम लोग डिटेल में बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम एक एक चीज स्किप नहीं करते और कोई ये रिकॉर्डेड नहीं है, ये लाइव है हर चीज। हम यकीन करें हमें प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन हम लोग कोशिश ये करते हैं हम अच्छी तरह डिलीवर करें। ये मैंने 2 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है, डन। और क्रिस्पी होने की वजह से बना जी जी जी, ताकि इसमें मसाला भी। की बातें बताते हैं उबलवाना पड़ता है मुझे फूड कलर, मतलब कलर जरा सा लुक में जी, अच्छा कलर अच्छा इसमें आ जाएगा। अच्छा सॉल्ट मैं अपने हिसाब से डालूंगी, नमक वैसे ही फिश में ज्यादा होता है उसके अंदर ऑलमोस्ट, ये कहूंगी अल्लाह पाक की तरफ से इसके अंदर जो। अच्छा जी, इसके अंदर अब ये यानी हाथ से कर लो। जी जी मैं कर लेती हूं, वो ज्यादा बेहतर है। थोड़ा सा इसमें विनेगर यूज करूंगी, ठीक है। और विनेगर इसलिए कि एक तो इससे फिश हमारी टूटेगी नहीं। कुछ लोग लेमन डाल देते हैं, लेमन भी डाल देते हैं एज यू विश, लेकिन मैं इसमें विनेगर इस्तेमाल करूंगी 2 टेबल स्पून, ठीक है जी। ये देखें नाज़रीन, आप जरूर